उम्मीद करना सा सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सो मैं सोना मेज़बान काशिफ एक नवी इंटरेस्टिंग वीडियो ने हाजिर हो आज मौजूद हमें चक पेंडा स्पेशली कुछ असन मंगेतर आए हुए सन इंग्लैंडू उन्होंने इंटरव्यू के ना गाना सुनता उस ना पुछ मंगेतर का हाल सजना अज पुछने इन्होंने को हाल भी जो असर ना चेक करा अच्छा जी बिल्कुल उन आसा ऊपर जुले आ बैठे हैं फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह उस वो आसा इन को करने हैं फाइनली वेवर च उन आसा नाल बैठे हुए ने सब तो पहले तो मैं इन्होंने सारे का तारुफ कराना वा उस साइड अंकल बैठे हुए ने अब्दुल सतार उस साजिद भाई मोहम्मद मुश्ताक अंकल मुश्ताक बैठे हुए इस साइड अंकल बनारस बैठे हुए ने सब तो पहले तो शुरुआत करने हैं साजिद भाई तो क्योंकि ये एक एक ब्याह मंगेतर मैं आना कि सारे मंगेतर तो ये एक वाहिद मंगेतर हैं जिन्हें अलहमदुल्ला अपना बिजनेस सैटअप भी इंग्लैंड में बनाए जाने सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम अच्छा साजिद भाई सब तो पहले ये बताओ कि इंग्लैंड तो पाकिस्तान क्या फर्क है पाकिस्तान बंदा बेला भी बेही सकना रोटी लभ जानी है साजिद पहले भी इतना काम करने या फिर उठा जाइए काम वगैरह इतना भी काम करना रहा मैं बेसिकली मिस्त्री का काम करना सही है मैं मस्जिद मीनार शरीफ बनाने बच्चा बनानी है दरबार बनाने उतना बिल्डर काम करना इतना अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला चंगा सी काम उतना भी बिजी है माशाल्लाह अच्छा दिल साफ होना चाहिए अल्लाह ताला राह बनाना है सुनने से आया है कि बाहरले मुल्क च रिश्तेदार उस तरीके नाल एक टाइम वगैरह नहीं दे सकते जिस तरह इतना माशाल्लाह मैं हूँ तक अंकल बैठे हुए ने हम तुम कुछ दिन पहले आए हो एक टाइम वास्ते एक रिश्तेदार आना अच्छा बहना इतना इतना उस तरह आउट ऑफ कंट्री इंग्लैंड नहीं होना अच्छा तुसा सब तो पहले नहीं है बहुत कि तुसा की इंग्लैंड में जिंदगी पसंद है या पाकिस्तान जिंदगी तो पाकिस्तान ही पसंद है और पई है इंग्लैंड पसंद ये अच्छा बिल्कुल अच्छा कानून ने बारे च तुसा थोड़ा जे भाई के इंग्लैंड नी कानून तो पाकिस्तान नी कानून ने बारे थोड़ा जे भाई पाकिस्तान दे तक हो तो सफारिश वगैरह चली जानी है तो कम चली जाना तो उतना सफारिश कौन होता कानून पक्का है एक आम बंदा होवे एक वजीर आजम होवे उन्हें वास्ते सहम कानून है इतने ये गल कोई नहीं अच्छा तुसा इंग्लैंड सब तो पहले जाइए तुसा किया जा फील किया सी के इंग्लैंड किया जैसा उसी इतना फील किस तरह किया उतने जाइए तो किया जा महसूस हो जाए पहले तो थोड़ा जो बोर ही लगा है उनका बंदा जानने लगा कौन सी इतना बाद आस्ता आस्ता यूज हो गया शुक्र अलहमदुल्ला अपने काम शम बिजी रहा इस तरह ही अच्छा हूँ काफ़ी मंगेतर जोड़े वो बड़े डरने जल्द इतने इंग्लैंड जाने इंग्लैंड जाने तो पहले बड़े डरने की पता नहीं था क्या क्यों डर असल कुछ मंगेतर इतों जाने न जल्द जी मेन पॉइंट है ना इतने असा ना रुझान है जनाब कि जो कुछ है मैं हाँ जनानी कुछ जनानी की समझने कख नहीं हालांकि दर्जा बराबर ही होना किसम तो उतने हालात जनानियाँ सारियाँ ज्यादा समझनिया असा ना जो अस इतों जाने असा कि उतने हालात में पता नहीं होना बर्तन वगैरह कमा ने बारे थोड़ी जी बाई उड़ो कि घर च कम मियां भी इकट्ठे होई सका दे या फिर खाली मियां ही रह जाना कुछ बंदे तो दोए बंदे करने हैं कुछ खाली जने करने हैं कुछ जनानियां खाली करनी हैं सारे हर बंदे पर अपनी गल है अच्छा एक और मैं चीज़ रखी है कि आउट ऑफ कंट्री च जो औरतें वगैरह हो गई ना माँ पेड़ा वो उतने कम वगैरह करने इतना कौन नहीं करनी है उतना जब तक दो बंदे कम ना कर सर्कट नहीं चलना अच्छा उतना मजबूरी कम करना ही पैना अच्छा जिस टाइम तुम सा गए हो उस टाइम डेवलपमेंट ना क्या सिस्टम सी तो उन क्या है मैं जिला गया जनाब ते मैं 96 गया ना ते जिथे वाइफ हमारी कम करनी थी ना तो मैं भी यानी कि सिलाई ना कम करनी थी तो मैं जिला दारा गया ता पहली गल इतना जान पहचान भी नहीं होनी थी ता जिता उसा है मैं नाल तो ही गया
तो जिसलै मैं कम शमक करने तो ज्ञान उत्थे मतलब जरा प्रेसिंग वाला कम स्टार्ट किया। वो पहले तो जहर मैं जिसलै गया सुबह 9 बजे जाने स ते इस बाद 10:30-11 एक ब्रेक होनी सी 4-15 मिनट खाने ना जिसलै टाइम बचना सी अद्धा घंटा खाने ब्रेक करने का। इस बाद 4 बजे मेरी ब्रेक होनी सी 15 मिनट होनी सी 6 बजे असं कम छोड़ने का। वो जिसलै मैं स्टार्टिंग गया तो मैं एक दिन ना एक दिहाड़ी ना 10 पाउंड मैं देना सी तो 5 दिन ना 50 पाउंड देना तुझी कहना मैं यानी कि सोचा यानी कि 50 पाउंड तो कुछ भी नहीं नथिंग है। फिर मैं ज़्यादा उसी सोचा मैं जो कम इच्छा करता यानी कि जो कम पीस वर्क होना जे हम जैकेट अगर तुम प्रेस करनी हो तो जैकेट नहीं त्री फीनी होन तो जे नवा बंदा जो मैं शुरू तो जो कम स्टार्ट किया तो वो जैकेट थोड़ी आठ ही होनी सर वो जैकेट मेरा मैं 1 घंटे 6 करना सा उस हिसाब पर 2 पौन घंटे ने बनने से। फिर ज़्यादा जल्द मैं थोड़ा यूज हो गया जो कम मैं थोड़ा सीख किया तो ज़्यादा उ जैकटा जीडिया मैं घंटे 12-12, 14-14, 16 करी की नहीं करता। इस तरीके ज़्यादा फिर माड़ी आस्ते आस्ते तनखा जी 170 मतलब हाली 70 पौन कुछ हुई 80 पौन भी कहनी हुई इस तरीके ज़्यादा। फिर मुड़ी 6 महीने सारे इस तरीके काम किया। फिर मुड़ा एक दोस्त ही माड़ा उसकी मीट दुकान सी ग्रोसरी दुकान सी पंटरी तकरीबन 20 मील दूर थी उस आया तू इस अगर असं दुकान खोले हैं इकट्ठे मिली जुली तो चलने हैं। फिर असं उसने कारोबार शेयर शुरू किया तो उसे चलने रहा उस तकरीबन 5 दिन मैं 150 पौन देना सी। फिर मैं 2-3 साल रहा जब बंद माड़ा पुछण जान हो लेन देन तो कहना सलाम दुआ होगी ना तो मैं इस किया यानी कि बंदे आखे यानी तू अपना कोई कारोबार कर तो मैं इस तरीके किया। फिर अपना फास्ट फूड नहीं जिसमें वेयर हाउस सीखना तो अस 2-3 बंदे मिली ना असें एक जगह की हिंदी उसके बाद असें फास्ट फूड का कम शुरू किया यानी कि शापा पर गए उन्होंने कहा जी असा यानी कि नवा कम स्टार्ट किया सारी हेल्प करो तो वो आने यानी कि उन्हें आखिया असं यानी कि तुम 2 दिन कम कर सो या 4 दिन कम कर सो या बाद जो कम ना चले तो बंद करी सो तो असं जिसमें कम गिने तो उन्हें ना छोड़ी सकने उन्हें कि असं मुतमिन किया तुम ऐसा करो असं को कम कम यानी कि पीए चू यानी कि 4 आने कम करो जो असं तुम मार्ग मुताबक ना उतरे तो तुम सालों इन्ना कम करो। मैं इस तरीके स्टार्टिंग मुड़ी तो 2002 में इस तरीके सिस्टम शुरू किया। फिर बल्ले बल्ले आस्ते आस्ते एक दुकान बनती 2 दुकान बनती 4 दुकान बनती इस तरीके 6 बनती यानी कि काफ़ी कम आस्ता आस्ता वसी होना अपने तलक यानी कि अपने तलक यानी कि हर बंद तलक अपने गल् बात की इस तरीके अपने बिजनेस की यानी कि थोड़ा जो उपर गिरी गया। अजकल जो मंगेतर जाने नजर है तो उनकी काफ़ी यानी कि दुशवारियाँ यानी करनी पड़ियाँ क्योंकि ये तो मतलब जहर है अगर उन्होंने फैमिली यानी कि कोई गरीबी है या अच्छी फैमिली है तो फिर तो ठीक है नहीं तो असल जहरा जो बंदा इतना जाना ना तो जहरा आड़िया सुबह जाने कम पर शामी मुंडे ना तो बाद बाद जो बंदे ऐसे ना जिंदा वो वेजस आने ना पहले अपनी वाइफ की देने जा रहा है फिर उसने मयार के मुताबक बाद बंदे में तक जिन्ना आया यानी कि असें कि उस वेजस 10 पौन यानी कि खर्चे नहीं देने बाकी वो यानी कि जरा जो सारे सस ससुर होने या बीबी होनी अपने पास रखें। हाँ जी भैन तो भ्राओ इस टाइम मौजूद ने सा एक ऐसी शख्सियत जे मैं कि पटवार ने बड़े राइटर इन्होंने एक नाम है जिन्हें आपू लतीफे चाचा क्या क्या लिखे कहानियाँ कहानियां ही लतीफे दे नज़मां ही उस बाद शेर इस तरह ने मैं जरा ना पटवारी में चाड़ना रहना यूट्यूब पर कुछ आसन नज़र पेश करी तुम्हें शेर एक सुनाने कि जासो तो जे असी तो गल कर सो नहीं तो कसम खाधी मैं जाना तो ना तुम क्या हो मिगी दसो तो सही तुम छापो सी मैं कुछ ने बाना तो ना कदें ठोडियाँ तो कदें पैर पौड़ा माड़ी मनी जाओ मैं कोई बगाना तो ना कि कोल नो बहन मुड़द देने खाली तक सा मैं तुम खाना तो ना तकी सकने हो ये अपने हथाला इन्ना जल्द मैं बया हुआ तो मैं हैरान होइया क्योंकि इे जे लोग बहुत कम लभने बड़े बड़े राइटर जड़े ना वो उन्ना चीज़ ना नाश मार होना वै तुम यूट्यूब पर सर्च करी सकने हो क्या ना यूट्यूब पर अगर सर्च करो ना बाबा बनारस पटवार जब्बर तो इन्होंने शेर भी आए जा कहानियां वगैरह भी आई माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है इन्हें मिली स्पेशली इन्हें अपने टाइम उस वक्फ किया स्पेशली मैं एंकल मुश्ताक ना बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्हें अपना कीमती टाइम आया उसका वक्फ किया इंशाल्लाह मिलने नेक्स्ट वीडियो तब तक काशिफ की दी इजाजत अपना ख्याल रखिया अल्लाह सोने वाले।